बढ़ती महंगाई से खफा समाजवादी पार्टी का गुस्सा गुरुवार को फूट पड़ा। नाराज पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने आजाद मैदान में प्रदर्शन किया। सपा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी भी इस दौरान आजाद मैदान में मौजूद रहे। इस दौरान आजाद मैदान में बड़ी संख्या में लोगों के साथ पहुंचे फहाद आजमी और पूर्व नगर सेविका सायरा आजमी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था अबू आजमी और फहाद आजमी का, देखिए मुंबई से खास रिपोर्ट। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर आदमी परेशान है, हर आदमी दुखी है। गरीब के मुंह का निवाला सरकार छीन रही है। लोगों को, लोग गैस नहीं खरीद सकते। आटा दाल चावल के ऊपर भी अब जो खाने की चीजों पर जीएसटी लग गई है। मैं समझता हूँ कि मैं मुझे ही नहीं बल्कि देश के 130 करोड़ जनता को खड़े हो जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो आज विद्वान लोग, जो आज इकोनॉमिस्ट लोग, अर्थशास्त्री लोग कह रहे हैं कि मेरे देश की हालत भी कहीं श्रीलंका की तरह से ना हो जाए, वो दिन आने के पहले हमें सड़क पर उतर करके हमें अपनी बात मनवाने की कोशिश करना चाहिए। अगर सर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या आमदार से पूछा जाता है जीएसटी के, बोलते हैं हमें कुछ मालूम नहीं, इस पर आप कैसा देखते हैं? ये आप मीडिया के लोग, उनको नंगा कीजिए। सब मीडिया के लोगों का काम है, जाए लोगों से पूछें गरीबों की हालत क्या है। आज गरीब बेचारा खा नहीं सकता है, एक छोटे से कमरे में रहता है आदमी, जिंदगी गुजार रहा है, उसको दाल रोटी भी नहीं मिल रही है। अभी कोविड से आदमी थोड़ा सा बाहर निकला था कि फिर महंगाई तो शुरू हो गई, लोगों के पास धंधा नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये सरकार निकम्मी है जो लोगों की सर महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी द्वारा हल्ला बोल मोर्चा निकाला गया, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी के लिए मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की सभी जनता को खड़ा होना चाहिए। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही नहीं, महंगाई सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए नहीं आई है, लेकिन आज जनाब अबू हाशिम आजमी साहब ने इस धरने का आगाज किया है और इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में इसकी आवाज़ गूंजेगी। सर आज आजाद मैदान में जीएसटी पे हल्ला बोल हुआ है और बीजेपी सरकार पर हल्ला बोल हुआ है, और सर आजाद मैदान में आज मोदी जी मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं, क्या करेंगे? देखिए जैसा कि अभी कहा गया है कि आज जैसे जीएसटी इस पे तो बहुत पहले से हल्ला बोला जा रहा है, लेकिन आज छोटी छोटी चीज़ों पे उन्होंने जीएसटी लगा दिया है, जैसे दाल, आटा, चावल, गेहूँ, तेल, ये जो ज़रूरतमंद की चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एक गरीब के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, अमीरों के लिए तो कपड़ों पे लगा था, बाकी चीज़ों पे लगा था, लेकिन आज जो गरीबों के लिए लगा है इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई जा रही है और समाजवादी पार्टी इस चीज़ का पहला संघर्ष कर रही है। देखिए बीजेपी सरकार, तो बीजेपी सरकार धर्म के नाम पे राजनीति कर करके तो आज सत्ता में बैठी है, और हमारे पीएम मोदी जी और योगी जी जैसे लोग हैं, इन्होंने हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा के और ये नहीं सोचे पूरे देश को लूटा जा रहा है। जो लोग कहते ना कि देश से गद्दारी, देश से गद्दारी, असल में देखा जाए तो ये लोग करे। देश क्या है? देश जनता है, जनता ही देश है। जब ये जनता मर जाएगी तो देश कहाँ रह जाएगा? इसके लिए जनता ख्याल रखे जाए, इसलिए इसका विरोध संसद से लेकर सड़कों तक होएगा, ये समाजवादी का संघर्ष रहेगा।